न्यूट्रेला फूड तक में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ सगुना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा होता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है उस चीज को बाजार से जाकर खरीदने का। ऐसे ही एक ब्रेड है कुलचा। जी हाँ, कुलचा बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे किचन में न्यूट्रेला सोया कुलचा। इसको बनाना बेहद आसान है और सबसे पहले हम लेंगे यीस्ट और उसको पानी में घोल के हम रख देंगे। इसको थोड़ी देर पानी के अंदर आप रहने देंगे और इतनी देर हम तैयार कर लेते हैं कुलचे के लिए डो। इसके लिए मैं ले रही हूँ मैदा। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्ट और थोड़ी सी चीनी हम इसमें डालेंगे ताकि जो इसका टेक्सचर है कुलचे का वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इसको गूंथने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं दही का। और ये डो को थोड़ा सा चिकना करने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दीजिए, उससे इसका टेक्सचर भी हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा और साथ ही में जो हमारा कुलचा है वो काफ़ी सॉफ्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो डो हमारा लगभग बनके तैयार है। बस जो हमने यहाँ पर यीस्ट पानी के अंदर घोल के रखा था उसको भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इससे ये फर्मेंट हो जाएगा अच्छे से, यानी जब हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे तब ये अच्छा फूल कर आएगा। तो फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट डालना थोड़ा ज़रूरी है। तो ये देखिए डो हमारा बनके तैयार हो चुका है और अब इसको हमको रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप इसको सेट होने के लिए रख दीजिए। तो तकरीबन 2 घंटे का समय हो चुका है। आइए देखते हैं कि हमारा डो रेडी है या नहीं। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट ये हो चुका है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से हम इसको कुलचे की फॉर्म देना शुरू करते हैं। आप चाहे तो बिना बेलन का इस्तेमाल किए भी इसको आप कुलचे की फॉर्म दे सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे छोटे कुलचे पहले बनाती हूँ। इसके लिए मैं इसके अंदर फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल करूँगी कलौंजी। कलौंजी के साथ ही मेरे पास यहाँ पर है बिल्कुल बारीक कटा हरा धनिया। लहसुन मैंने बिल्कुल बारीक काट के यहाँ पे पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, उसको हम इसके ऊपर लगाते हैं। और साथ ही में इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे न्यूट्रेला के प्री कुक्ड सोया ग्रैनुल्स। प्रोटीन कंटेंट इनमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और इस इंग्रेडिएंट को हमारी इस रेसिपी में ऐड करने से इसको एक हेल्दी ट्विस्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो कुलचे का साइज आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं छोटा कुलचा यहाँ पर बना रही हूँ और ये यहाँ पर तैयार हो चुका है। पैन हम गर्म कर लेते हैं। पैन में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल मैं इस्तेमाल करूंगी न्यूट्रेला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। बस थोड़ा सा ऑयल हमें डालना है। तो तेल यहाँ गरम हो गया है और दोनों हाथों से इसको बहुत ही आराम से उठा के हम डालेंगे पैन के ऊपर। न्यूट्रेला सोया कुलचा आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हो गया है। और प्लेटिंग के लिए पहले ही मैंने यहाँ पर चने तैयार करके रखे हुए हैं, साथ में मेरे पास है अचार, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन कुलचे के साथ एकदम सही बैठता है। तो लीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है बाजार जाके कुलचा खरीदने का तो घर में आप कैसे बनाएं ये हमने आपको सिखा दिया है। तैयार कीजिए, खाइए, हमें बताइए आपको कैसा लगा। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमें लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए।